अब तक आपने देखा दादी के घर में आ जाने से बच्चे परेशान हो जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने का प्लान बनाते हैं। Now listen, united we stand, divided we fall. ये बात हम सबको याद रखनी है। चंद्र प्रभा के पुकारने पे अजय उसके कमरे में जाता है पर वो उसे झिड़क देती है जिसकी वजह से अजय को बहुत बुरा लगता है। तुम्हें कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मेरी देखभाल करने के लिए मेरा बेटा प्रकाश है। रानी किचन में चंद्र प्रभा की पसंद का खाना बनाती है पर अजय को दुखी देख समझ नहीं पाती कि उसे क्या हुआ है। उधर कमरे में वानी चंद्र प्रभा के लिए चाय ले जाती है पर वो उसे रानी समझ के खरी खोटी सुना देती है। अब खड़ी क्या है, निकल यहाँ से, चल निकल निकल। नाश्ते के टेबल पे चंद्र प्रभा रानी का मजाक उड़ाती है। वहाँ पे जो सबको बुलाता ना, मुजरिम हाजिर हो, अगर किसी दिन वो लोग ना आए तो इसे ले जाओ, ये एक बार बोलेगी और मुजरिम हाजिर हो जाएगा। अब आगे आ, 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 अरे आदि खुश रहो, अरे धीरे धीरे आदि नाश्ता करके जा। अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता। दादी दादी सॉरी, वो आदि मिष्टी को परेशान कर रहा था तो। अरे तूने धक्का थोड़ी दिया है, धक्का तो इसने दिया है, तो क्यों सॉरी कह रही है? तू तो मेरी रानी बिटिया है ना, वहां क्यों खड़ी है, चल नाश्ता करते हैं, आ जा। हाँ। चल मिष्टी नाश्ता करते हैं। टूट जाएगा बटन। खुद लगाएगा या कॉलेज में जाके लौंडिया से लगवाएगा? मैं चेंज करके आता हूं। आ जाना। चल तू भी ठूस ले। हाँ। उनका केस हम ले ही नहीं सकते, सो प्लीज कॉल हिम एंड इन्फॉर्म हिम। जी मैम। ये मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, देखो सुबह सुबह नहा धो के कंगी वंगी करके नाश्ता कर रहा है, कुछ सीख इससे। प्रणाम दादी। खुश रहो, आ जाओ। माँ जी नाश्ता दे दो। अरे अभी कैसे, प्रकाश को तो आने दे। गुड मॉर्निंग माँ। जी आ गए, जीते रहो। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, नींद अच्छी आई बेटा? हाँ माँ, नींद अच्छी क्यों नहीं आएगी। कुछ दिनों से तू बहुत परेशान था ना, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। हम तो यहाँ पार्टी मोड में चल रहे हैं। नहीं? अरे रानी आप किसका इंतजार कर रही हो, नाश्ता लगाओ ना। हाँ हाँ रानी लाओ। भाई क्या बनाया है, बहुत भूख लगी है। बाजरे की रोटी बनी है। अरे अजय आ जाओ। माँ जी आज मैंने ना सब सात्विक बनाया है, शुद्ध शाकाहारी सिर्फ आपके लिए। क्या पर मुझे तो आज एग खाना था। चुप, सावन चालू है। बताओ सावन चालू है, अब बेकार में मुझे चालू चालू बोलती रहती है। वेरी बैड, तू चालू ही है, नाश्ता कर चुपचाप। माँ जी आपको पता है अजय आपको बहुत मिस करता है, खास तौर से त्योहार के टाइम पे। हाँ हाँ अरे बेटा तुम्हारी प्लेट खाली, तुमने तो कुछ खाया नहीं इसीलिए तुम इतने कमजोर हो गए। ये ले। क्या कर रही है माँ, आप लो ना, मैं ले लूंगा यहाँ से। अब खाई। वो साग पकड़ा दे।
दादी पापा की भी तो प्लेट खाली है, आप उन्हें क्यों नहीं खिला रही? आपको पापा पसंद नहीं क्या? मिष्टी कुछ भी बोलती है तभी रोज तेरे गले में खाना अटकता है, खा ले चुपचाप। जी नहीं मेरा हो गया बस। सुनिए रानी जी, रोटी गले में फंस रही है, आधी सेकी हुई कच्ची है। ओ पानी, बिजली जरा पानी लाना जल्दी। लाई दीदी। फिर से सेक के दूं? माँ जी मैं सेक देती हूँ। आदि गिलास दो। सार्थक आओ बेटा बैठो नाश्ता करो। मैं ना अपना बुक भूल गई हूँ तो मैं लेकर आती हूँ। अरे काव्या कहाँ जा रही है? दादी मैं बस अभी आ रही हूँ। अरे बेटा खाना छोड़ के नहीं जाते ना। दादी पापा भी तो बिना खाए चले गए, आपने उन्हें नहीं रोका? चुप रह, तेरी माँ सही कहती है, बहुत बोलती है। बेटा खा ले ना। मगर जो आपको अपना ही ना माने उसे कैसे मनाया जाए? ऐसा मत कहिए, माँ जी भी ना मान जाएंगे, आप बस हिम्मत मत हारिए। कितना कुछ तो आता है आपको, आपके इन हाथों में तो जादू है। आप एक काम कीजिए, आप इन्हीं हाथों का कोई जादू मंत्र माँ जी को दिखा दीजिए, फिर देखिए आप माँ जी का गुस्सा कैसे छू मंतर हो जाता है। समझ गई। एक भी बर्तन जूठा हुआ तो तेरे कान खींचूंगी, समझ गई? दादी ध्यान से बेटा, सिद्धार्थ बेटा संभाल के जाना है, गाड़ी वाड़ी देख के जी, ठीक है? I'm ready. चलो बाय, I'm going. हाँ बाय। काव्या इतनी देर लग गई किताब ढूंढने में, कौन सी किताब ढूंढ रही थी? दादी वो कोर्स वाली बुक, कोर्स वाली। मुझे बेवकूफ मत बना, इस उम्र में लड़कियां कौन सी किताब पढ़ती मुझे सब पता है। अच्छा आपको कैसे पता दादी, मतलब आपने भी पढ़ी थी? तू चुप रह, ला बैग दिखा। What? मुझे बैग दिखा। मेरा बैग चेक? दादी यहाँ पर ऐसा कोई नहीं करता, इनफैक्ट माँ ने भी कभी चेक नहीं किया। रानी क्यों करेगी, उसे क्या परवाह है, बिगड़ेंगे तो मेरे प्रकाश के बच्चे ना। ला इधर लाओ। दादी दादी बाद में देख लेना, मैं हाथ हटा। मुझे तुम लोगों की परवाह है, तुम्हें प्यार भी करती हूँ, तुम लोगों को भला बुरा भी सिखाना चाहती हूँ, ताकि तुम लोगों को किसी चीज की कमी ना रहे। किस चीज की कमी रह गई माँ जी? मैं
मेरे प्यार की कमी। जाना कहाँ गया? दादी, बैग। ओह हाँ, बहुत सुंदर बैग है। जा। बाय 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 मॉम। बाय बेटा। बाय। और आपको स्कूल नहीं है? अरे हाँ, मुझे तो स्कूल के लेट हो रहा है, मैं भी जाती हूँ। जाओ जल्दी से। और बहू जी, तुम्हें भी तो कोर्ट जाने की देरी हो रही होगी। नहीं माँ जी, आज मैंने छुट्टी ले ली है, आज मैं पूरा दिन आप ही के साथ रहूंगी। हाउ स्वीट, तुम आजकल माँ की कितनी केयर कर रही हो। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा माँ, चलता हूँ। खुश रह। बाय बाय। आपकी जय हो कान्हा जी, आपने यहाँ सबको एक कर दिया, अब एक नारियल तो चढ़ाना बनता है। मरकर दोबारा जन्म ही ले लूंगा ना, तो भी तुम्हारा किया कभी नहीं भूलूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की। थैंक यू है भगवान जी, आपने ना मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। आज मैं बहुत 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 खुश हूं। भगवान जी सबका भला कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की। उफ़ो, कैसे डालूं इन लोगों में फूट। हेलो, कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है? हाँ हाँ गायत्री, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। हाँ लेकिन आवाज से तो परेशान लग रही हो। अरे जिन लोगों को मैं परेशान करना चाह रही हूँ वो परेशान हो ही नहीं रहे। अरे क्या बताऊं, ऐसे आसान आसान कैच छूट रहे हैं जिसे शोले का ठाकुर भी लपक सकता है। मतलब? अरे आज काव्या की चोरी पकड़ते पकड़ते रह गई। अच्छा, लेकिन मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। थर्ड एम्पायर की आंख है मेरी, जो किसी को दिखाई नहीं देता वो मुझे दिखाई देता है। आज काव्या अपना विकेट बचाने के लिए टुक 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 खेल रही थी। मैं समझ गई, जरूर कोई बात है। अरे माँ क्या बड़बड़ा रही हो, सीधा सीधा बोलो ना। अरे गायत्री मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो काव्या है ना, ये गलत रास्ते पे जा रही है। और रानी शायद ये जानती नहीं, या फिर जानते हुए भी अनजान बन रही है। अच्छा तो ये बात है। अरे माँ इसका तो अच्छा खासा ना पखेड़ा बन सकता है। देखो ये काव्या जो है ना प्रकाश भैया की लाडली बेटी है, और इसका बिगड़ जाना मतलब प्रकाश भैया का और बिगड़ जाना। यही तो। वेलन काव्या, बहुत सही था। थैंक यू अविनाश। अविनाश इसके प्रिंट्स कब तक मिल जाएंगे?
बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके। पोर्टफोलियो बन गया है और ऑडिशन की तैयारी भी हो गई है। बाय द वे, तुम्हारे मुंबई वाले ऑडिशन के बारे में कुछ बात करनी थी ना? हाँ। ऐसा करते हैं, लंच पे चलते हैं, वहां पर डिस्कशन भी हो जाएगा। एक्चुअली अविनाश, काव्या, सी यू हैविंग पोटेंशियल यार, इसलिए बोल रहा हूँ यार। आई नो दैट, बट घर में मुझे जल्दी आना है आज, सो। अरे हाँ हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारा ज्यादा वक्त लेने वाला हूँ भाई, कम ऑन लेट्स गो। ओके फाइन, मैं चेंज करके आती हूँ। या study at the turn of the century, its evolution maybe. I'm so sorry, I'm really sorry. You should be. Excuse me, maine janbujh kar nahi kiya. Sab janbujh kar hi kiya hai. Se ladkon ki attention jo chahiye. Aur kya? Waise bhi wo log usse apna dushman hi to samajh rahe hain. Right. Aur uske aage kahin stand bhi nahi karte na wo log. Aur ab dushman ki ek aur dushman aa gayi. To ab wo to iske dost ban hi jayenge na. One minute. Tum log kiske bare mein baat kar rahe ho? Look darling. Ab tum na, I don't know what you're talking about. वो वाला लुक ना हमें मत दो, okay? क्योंकि पूरे कॉलेज को पता है कि तुमने मेरे आदि के साथ, I mean हमारे आदि के साथ क्या किया? खौर, तो तुम उस लड़के को सपोर्ट कर रहे हो? तुम लोग जानते हो ना कि उसने कितनी गलत हरकत की है? Oh please, आदि का भी कुछ गलत हरकत कर ही नहीं सकता, वरना मैं कभी माइंड ही नहीं करती। And by the way, mind you, sweetheart, because तुमने ना आदि से पंगा लिया है, अब देखो वो तुम्हारा क्या हश्र करता है। Exactly, तैयार हो जाओ, क्योंकि उसने तो तैयारी कर ही ली होगी। Come on, girls. ये कॉलेज तो रियली बहुत वियर्ड है, सही करने पर भी लोग गलत की साइड लेते हैं। जाने दे अंजलि, तू भी क्या सोच रही है, तूने बिल्कुल सही किया है, एकदम करेक्ट। पर अगर सच में उस लड़के ने कुछ गलत कर दिया तो देरी नहीं करनी चाहिए। प्रकाश के कान में यह बात डाल ही देती। हेलो। हाँ वानी, बोलो। अरे सॉरी माँ। हाँ माँ, बोलो बोलो। अब बेटा क्या बोलूं? तुम कहोगे ना कि माँ ने तो आते ही बोलना शुरू कर दिया। मैं ये कह रही हूं कि ये जो रानी है ना, ये बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखती है। क्या? अरे माँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? ये जो वाणी है ना, ये तुम्हारे बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखती। क्या? कौन? क्या बोल रही हो माँ, यहाँ बहुत शोर है माँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप एक काम करो, वाणी से बात करो, वो घर पर ही है आज। अच्छा माँ, अच्छा अच्छा। ओहो, ये तो वाणी की वीणा बन गया है, बस उसी के सुर में सुर मिलाता रहता है। अरे ये दबे पांव कहां जा रहा है? We'll be right back.
क्या कर रही हैं आप माँ जी?